डॉक के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं हिंदी में करने वाली हूँ। अगर हम 7 बजे रात को हमारा डिनर खत्म कर देंगे तो हमारे शरीर में क्या असर पड़ेगा? अगर हम 7 बजे के बाद थोड़ा हैवी खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में नेगेटिवली क्या क्या चालू हो जाएगा, इसके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। जब मैंने मेरे फ्रेंड से थोड़ी बातचीत किया व्हाट्सएप में, वो बोली एक और दूसरे फ्रेंड है हमारे कॉमन फ्रेंड, उनके सजेशन के द्वारा उसने 7 PM के बाद, रात को 7 बजे के बाद उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया और 10 दिन में उसको ऐसा लगा कि 7 बजे के बाद उसे थोड़ी भी भूख नहीं लगी। 10 दिन में उसका वजन तो 1.5 kg to 2 kg तक कम हो गया। जब हम रात को 7 बजे के पहले डिनर खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट, अच्छा सा इफेक्ट होगा। हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे स्टमक और स्प्लीन में जो मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है। आपके डिनर के बाद सारा सिस्टम, आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं, सारा सिस्टम जो काम कर रहा है, ईच सेल, वो सारे शटडाउन हो जाते हैं। ये शटडाउन हो जाने से हमारे बॉडी को एक मकान समझ लो और एक एक सेल को एक ईंट समझ लो। हम क्या करते हैं, जो मकान पुराना हो जाता है उसे रिपेयर करते हैं, थोड़े ईंट को निकालते हैं, वही बोलते हैं रिपेयर मैकेनिज्म। जो हमें मिलता है हमारे नींद में वो ज्यादा होता है। और हार्मोन्स जो होते हैं, जो खाने के बाद हमारी ब्लड लेवल्स में रेस हो जाते हैं, वो हार्मोन्स को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं, हम दिन भर दिन काम करते हैं, जितना काम करते हैं उतना थकान हो जाता है हमें। जब नींद में है ये स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और कितने भी ब्लड हमें चाहिए वो जाते हैं लिवर और गैल ब्लैडर को, जो रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे तक ये मैक्सिमम फंक्शनिंग करता है। तो क्या करता है, जब भी हम 7 PM के अंदर खा लेते हैं हमारे डिनर, पहला उस डिनर से पहले 8 घंटे के लिए ग्लूकोज को सप्लाई करता है एनर्जी फॉर्म में, और उसके बाद जो भी टाइम है आप ब्रेकफास्ट खाने से पहले एक्सेस टाइम जो होता है उसमें एक प्रोसेस चालू हो जाता है लिवर में, जो हम बताते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं और स्टोर्ड फैट को जो हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, उससे ग्लूकोज को उठा के उससे ब्रेक करके, वही तो हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये करने से हमें एनर्जी भी मिलता है और एक्सेस फैट और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हुआ है वो भी कम हो जाता है, इसलिए वजन, दैट इज वेट लॉस भी आपको इतना आसान से हो जाता है। 7 बजे के बाद खाना खाएंगे तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव असर, अच्छा असर हमारे शरीर में होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि हमारे सिस्टम, वो तो शरीर में जितना भी सेल काम करते हैं वो सभी स्ट्रेस हो जाएंगे, तो बॉडी भी बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, अच्छी से नींद भी चली जाएगी, ब्लड प्रेशर जिसे कम होना था वो भी रेस्ट होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर में वो काम में लग जाएंगे। अभी मैंने बोला पुराने ईंट को निकाल के नया नया ईंट लगाना है, दैट इज पुराने सेल्स को हमारे शरीर से निकाल के रिपेयर करके नई सेल्स को डालना है। अभी अभी हम इतना खाएंगे तो रिपेयर मैकेनिज्म तो नहीं होगा, तो वो सारे टॉक्सिन्स, यानी कि बॉडी के लिए जो अच्छा नहीं है, बुरा है, उसे हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, हमारा वजन भी बढ़ जाएगा। हम क्या समझते हैं, हमारे शरीर में जब फैट ज्यादा होगा, फैट कम होगा ही हमारी वेट लॉस में असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स दो होते हैं, ग्लाइकोजन वो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट और एडिपोज टिश्यू जो है एक्सेस फैट। लिवर में एक रूम खड़ा करके लिवर में ही अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और 7 बजे के बाद हमें फ्री ग्लूकोज हमारे डिनर से मिलता है, एनर्जी मिलता है, और जब हम उसके बाद ब्रेकफास्ट खाने से पहले उसके बाद थोड़ा और समय है तो वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में और एडिपोज टिश्यू का ब्रेकडाउन में हेल्प हो जाएगा, इसलिए हमारा वेट लॉस भी
पॉजिटिव असर से होगा। हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं मॉर्निंग सनराइज से शाम तक 6:30 बजे या 7 बजे तक खा लो, उसके बाद ज्यादा मत खाओ, इसका साइंस यही है। और इसलिए मैंने सोचा आप सबको ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो ऐसे ही एक वीडियो में थोड़ा अच्छे से हिंदी को मैं इम्प्रूव करती हूँ, आपको मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, नमस्ते।